हेलो गाइस, तो मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं बिहाइंड द व्हील्स। आज हमारे पास जो गाड़ी आई है रिव्यू के लिए वो है इग्निस। एक साल पुरानी है, बस 8,500 किलोमीटर चली है और काफ़ी अच्छा काम हो रखा है। साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा अपग्रेड है, तो आइए देखते हैं। ये है गाड़ी का कुछ बाहर से ओवरलुक, पहले आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ से। पहले जो काम करा रखा है बयानी जो फॉग लैंप है इनके अंदर है एलईडी नाइट आई की, और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो बम्पर लिप लगी हुई है कार्बन फाइबर वाली, आपको दिख रहा होगा सुजुकी की डिकल लग रही है इसके ऊपर। और फिर उसके पास आते जो ये हमारी लाइट्स, तो हमारी स्टॉक है क्योंकि टॉप मॉडल है पेट्रोल, और लेकिन प्रोजेक्टर्स के अंदर एच आई डी लगी हुई है। और ज़्यादा कुछ डीकेल वाला काम नहीं है गाड़ी पर, वैसे हुनिकन के स्टिकर्स हैं। बाकी टेल लाइट्स थोड़ी थोड़ी स्मोक है, आप देख रहे होंगे नॉर्मल से, और एक एक कार्बन फाइबर स्पॉइलर और लेफ्ट टू ड्राइव का स्टिकर टीम भी एचपी, और एक ही ब्रेक लाइट और एक ही रीमस का एंड कैन लग रहा है इसके अंदर एग्जॉस्ट, वो भी सुनाएंगे आपको बाद में वीडियो के। पार्किंग सेंसर्स बाहर से गाड़ी के अंदर और कोई खास काम नहीं हो रहा, आपको अंदर से दिखाते हैं। तो गाड़ी के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे वाइट इंटीरियर, इसके बारे में मैं श्योर हूँ कंपनी से टॉप मॉडल के अंदर आता है कि अब भैया ने करा रखा है वो, ओनर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और एक ये सबसे पहले नॉन स्लिप मैट सुजुकी के लोगो, और सबसे पहले आप देखेंगे इतनी बड़ी इन्फोटेनमेंट सिंक लग रही है, ये भी टॉप मॉडल में स्टॉक आती है। और उसके बाद एक ये रियर व्यू जो मार्किंग का जो हमारा कैमरा होता है वो भैया ने ओरिएंटेड लगवा रखा है शीशे के अंदर। और सीट्स कवर, सीट तो इसकी अभी कुछ खास नहीं, सीट कवर का काम और मैट का काम रह रहा है, इंटीरियर की तो पूरी गाड़ी भी जानी है। और बाकी इसके अंदर जो एम्प लग रहे हैं वो दोनों लग रहे हैं रॉकफोर्ड के, एक मोनो और एक फोर चैनल, आपको दिखा दूँ। जो हमारा एक एम्प रहने वाला है मोनो, जो हमारा रॉकफोर्ड का प्राइम R501, और जो हमारा फोर चैनल रहने वाला है वो है रॉकफोर्ड फॉसगेट का प्राइम सीरीज का R304। और बाकी आपको दिखाते हैं इसके अंदर बूट के अंदर क्या लग रहा है। तो बूट के अंदर जो हमारा सब रहने वाला है वो है मोस्ट डिमांडिंग इन्फिटी रेफरेंस सीरीज, जो आजकल अफीम बना हुआ है, बंदे को मिल ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। और एक DSP लगा हुआ है इसके अंदर पाइनियर का, उसका बॉक्स ही है वो मैं दिखा नहीं सकता, वो डैशबोर्ड के अंदर उसकी फिटिंग करा रखी है, उसका सीरीज आप देख लीजिए पाइनियर SDEQ S1000A, ये भी आजकल बहुत पॉपुलर है। ये हमने इस मारे लगवाया क्योंकि हमारी जो स्टॉक यूनिट है मारुति की उसमें खास आउटपुट नहीं है, और वो हम चेंज कराना चाहते थे आउट लुक की वजह से। तो आप सबको जिस चीज़ का इंतज़ार था साउंड की आउटपुट का वो बता दो। सबसे पहले एक इसके अंदर एक लग रहा है पाइनियर का लग रहा है DSP S1000 मॉडल जो एक आता है डैशबोर्ड के अंदर। स्टॉक यूनिट है हमारी जो हमारा स्टीरियो वो है स्टॉक पोक ऑडियो का DSG सीरीज आती है एक, उसके लग रहे हैं इसके अंदर कॉम्पोनेंट फ्रंट में, और पीछे रखा है इन्फिनिटी का रेफरेंस सीरीज का जो सब वूफर आता है स्टॉक कंपनी से जो एनक्लोजर आता है उसके साथ। तो आइए इसका आउटपुट सुनते हैं।